अनाज मंडी में धान का भूसा जी का जंजाल बना हुआ है, जिसे मार्केट कमेटी टोहाणा को ना उगलते बनता है ना ही निगलते। धान के भूसे को लेकर जब से मंडी का धान का सीजन शुरू हुआ है, तब से कोई ना कोई नई दिक्कत आ रही है। इसको लेकर बोली भी बार बार हुई है। अभी पूर्व में हुई धान के भूसे की बोली को अप्रूवल के लिए मुख्यालय में भेजा गया है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आने की सूरत में मंडी में जगह जगह सूखे भूसे की ढेर लग गए हैं, जिसको लेकर व्यापारी भयभीत नजर आए, क्योंकि ये किसी भी बड़ी आगजनी के हादसे को निमंत्रण दे सकता है। दूसरी तरफ इसकी वजह से कोई वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अब व्यापारी ने इस मामले को लेकर मंडी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे तक कोई हल नहीं निकला तो वो मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव पूनम पुनिया ने बताया कि अनाज मंडी में धान के भूसे के उठान की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या का हल करवा दिया जाएगा। टोहाणा से सुशील सिंगला, आजाद टीवी। सरकार से मांग यही करते हैं भी जो ये फूस है, फूस नहीं अब तो ये अड़ंगा है, बारूद है, भी इसको उठाया जाए जल्दी से जल्द, भी ऐसा ना हो भी कभी इसका रिजल्ट, भी कल को ऐसा भी हो सकता है भी कोई किसी इसके अंदर कोई पतंगा आग सारी निकल गई भी इसका जुम्मेवार कौन होगा, अगर कोई ट्रैली पलट गई उसका जुम्मेवार प्रशासन मार्केट कमेटी होगी ना कि कोई और। जो एसोसिएशन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है वो हमने हेड ऑफिस पे भेज दिया है, परमिशन जो आनी है वो हेड ऑफिस से आनी, जैसे परमिशन आ जाएगी तो गार्बेज उसमें स्टार्ट हो जाएगा। 7 दिन से नहीं पड़ा, पिछले 16 दिनों से पड़ा है वो, ठीक है। और जहाँ तक आग लगने की बात है, समस्या इनकी बिल्कुल जायज है, अगर हेड ऑफिस से 1 घंटे के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर हम अपने लेवल पर उसको उठवाना शुरू करेंगे।